సంభ్రమ భ్రమన్నిలింపనిర్జరి విలోల వీచి వల్లరి విరాజమానమురని. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. तो कैसे हैं आप? तो गाइस, आज का व्लॉग चलिए शुरू करते हैं. तो आज के व्लॉग में मैं इकट्ठा कर रहा हूँ अपने गाय के लिए सूखा चारा बरसात के दिनों के लिए. और आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा सूना सूना है. तो मेरे मम्मी पापा ला रहे हैं खेत से सूखा चारा, जिसे मुझे यहाँ पर इकट्ठा करना है. तो इसे गाइस करने में बड़ा ही मज़ा आता है, लेकिन खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है. तो अभी चले गए हैं खेत से चारा लाने के लिए और मैं अभी यहाँ पर इकट्ठा कर रहा हूँ इसको. चलिए चलते हैं. तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा खुजली वाला हो रहा है. तो जब तक वो लोग आते हैं चलिए हम लोग कुछ खाते हैं. तो क्या खाएंगे? तो यहाँ पर है अमरूद के बहुत सारे पेड़ जिससे अमरूद लगे हैं. चलिए अमरूद ही खाते हैं. और ये पूरा आधा हो गया है, जब तक ये होता है तब तक हम लोग कुछ खा लेते हैं. और इधर है लाल भाजी और आलू के पौधे. और यहाँ पर है ये नींबू, बड़े बड़े नींबू. तो चलिए अभी खाना भी शुरू करते हैं. तो चलिए हम लोग अमरूद खाते हैं. तो अब तक पापा नहीं आते तब तक काय. तो चलिए जल्दी चलते हैं. तो गाइस, कुछ लोग सामान लेने आ गए थे तो मुझे अपना काम छोड़ के दोबारा शॉप पे आना पड़ा, क्योंकि अभी यहाँ पर कोई नहीं है काम करने के लिए. सब लोग अभी खेत के काम में व्यस्त हैं. चलिए अपना दोबारा काम शुरू करते हैं, घास धोने वाला. तो कर देते हैं दुकान को क्लोज. इसको भी सामान का जरूरत पड़ेगा, वाके खुलवा लेगा. तो चलिए चलते हैं. और उधर भी जल्दी अपना काम ख़त्म करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बंदरों ने अमरूद के पेड़ से अमरूद गिरा दिए हैं. तो देख सकते हैं कितने, दो तीन गिरे हैं. आप लोग देख सकते हैं एकदम पके हुए हैं. और आप पेड़ के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सारा अमरूद ही लगा हुआ है. और वो मेरे पापा आ गए, ये देखिए आ गए. और चलिए हम वो जल्दी वहाँ पर पहुँचते हैं ताकि हम लोग जो घास का ढेर है उसको उसके ऊपर रख सकें. जल्दी 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 चलते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ घास के ढेर के ऊपर. और देखिए मैं अमरूद भी लाया हूँ, यहीं पे बैठे बैठे खाएंगे. तो गाइस, आ चुका है एक और घास का ढेर. उसको हमको क्या करना है सही? तो चलिए करते हैं इसको सही. तो गाइस चलिए अब इसको हम लोग ना पैर से कुचल कुचल के बराबर कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारा अभी बंदर है चारों तरफ. तो हम एक साथ बहुत सारे काम करेंगे. ये है अमरूद जो इस पेड़ से नहीं तोड़ा है मैंने, वहाँ पर से तोड़ा था. तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा नहीं है, फिर भी खा लेते हैं. और चलिए पैर से पूरा इसको कुचल डालते हैं. तो ऐसे करने से मज़ा तो नहीं आ रहा है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही खुजली हो रहा है इससे. तो गाइस, आपने कभी क्या घास के ढेर से जूता बनाया है क्या? तो ऐसे घूम घूम के बना लिया है जूता. तो आप देख सकते हैं ये बन गया घास के ढेर से मेरा जूता. गाइस, जब तक पापा दूसरा घास का ढेर लाते हैं तब तक हम लोग ये अमरूद खा लेते हैं और इधर बैठ के बंदर देखते हैं, क्योंकि इधर चारों तरफ अमरूद का पेड़ है इसलिए बहुत सारे बंदर आ रहे हैं. अभी हमारे वाले पेड़ पे अभी आ गया था तो आपने देखा ही होगा कि नीचे बहुत सारा जो अमरूद है वो गिर गया था. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुजली हो रहा है, फिर भी काम तो करना पड़ेगा. तो अभी प्यास भी लगना शुरू हो गया है मुझको, तो पानी पीने के लिए हम लोग जाते हैं. तो गाइस, मैं आ चुका हूँ अभी पानी पीने के लिए, क्योंकि वो अभी चले गए हैं दूसरा घास का ढेर लाने के लिए चले गए हैं. और अभी मैं लाया हूँ लोटा में पानी. चलिए हम लोग पीते हैं. तो ये कल का बर्तन में रखा हुआ पानी है इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा है. इसको क्या बोलते हैं, प्यासी पानी. तो एकदम फ्रिज के जैसा ये लगता है. तो जब तक वो आते हैं हम लोग पानी पी लेते हैं, उसके बाद वापस फिर भी काम में जुटना पड़ेगा. और बहुत ज़्यादा घास की वजह से खुजली भी हो रही है,
और ये पीछे है धान का, मतलब बोरी है उसमें धान भरा है, पूरा ढेर है। तो चलिए शायद वो आ गए और हम फिर से अपना काम में लग जाते हैं। देख सकते हैं ये है हमारा आंगन और वो है अपना दुकान। तभी वहाँ पर मैं रहता लेकिन इधर के काम की वजह से मैं नहीं जा पा रहा हूँ, सभी सभी काम में भी व्यस्त हैं। और ये अपनी राम प्यारी, और चलो वरना मम्मी देगी हमको गाड़ी। तो पानी अब पी लिया, अब चलते हैं दोबारा अपने घास के ढेर में। चलिए चलते हैं और दौड़ते हुए सीधा कूदेंगे घास के ढेर को, और ये पहुंच गए। तो गाइस आ गया फिर से मैं अपने ढेर पे। इस पे कोई आग लगा देना तो मेरी तो सुस्की बन जाएगी मछली वाली। और आपको क्या लगता है कि मेरे दांत बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं? तो होंगे जी। तो यहाँ धूप और खुजली के मारे सत्यानाश हो जाता है आदमी का। तो इस पे हम लोग छुप जाते हैं, उनको लगेगा कि कहाँ गया है ना। तो बड़े ही अच्छा नहीं दिख रहा होगा घाम में। तो चलिए उठते हैं और बैठ जाते हैं। अब जब तक वो आते हैं तब तक मैं थोड़ा आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि ब्लॉग मैं बनाना चाहता हूँ लेकिन समझ नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। तो इसलिए मैं चैनल बना कर छोड़ दिया हूँ, बीच बात में कुछ समझ आता है तो डाल देता हूँ। लेकिन कोशिश रहेगी कि मैं भी ब्लॉग बनाऊँ। तो अभी क्या बनाऊँ यही समझ नहीं आ रहा है। तो कम से कम आपको अपना जो कोला बारी है, यहाँ पर सब्जी वब्जी अभी उगाने वाले हैं, वो भी उगाना स्टार्ट नहीं किए हैं कि धान का लोहे के काम में भी फंसे हैं। और पिछले दिन ही ये जो घास है उसको छोटे वाले थ्रेसर मशीन से मतलब लुआ के घर लेके आ गए हैं। और अभी उसका जो घास है उसको यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो है हमारे गाय को बरसात के दिनों में मतलब चारा का कमी ना हो। तो आपको मैं अपना जो क्या बोलते हैं इसको आंगन है, आंगन नहीं कोला बारी होता है क्योंकि मेरा हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों मिक्स हो जाता है तो थोड़ा आपको मेरा बात अलग लगेगा। तो चलिए उनके आने तक मैं आपको अपना जो है कोला बारी वो आपको दिखा देता हूँ। तो यह है अपना शौचालय जिसका एक दरवाज़ा मैंने लात मार के तोड़ दिया था। अब पता नहीं क्यों तोड़ दिया था लेकिन तोड़ दिया था। यह है मेरा नींबू का पेड़। और ये इधर पूरा देखिए हमारा घर है वो पत्थर और खपरेल का बना है। और क्या दिखाऊं मुझको खुद ही नहीं पता है। तो जब तक लगता है पापा उधर से आ गए हैं, बोरी लेके आते होंगे। गाइस आज लाइट भी नहीं है इसलिए फ़ोन में चार्ज भी नहीं है। तो चलिए अभी का आज ब्लॉग का हम लोग समाप्त करते हैं और कल ब्लॉग नए ब्लॉग में बनाएंगे। तो गाइस मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी बैटरी ख़त्म होने वाला है फ़ोन का, तो ब्लॉग का आज एंड ही करते हैं और काम ख़त्म करके फ़ोन चार्ज कर देंगे। चलिए बाय।